दोस्तों, कैफे ओरेंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवा करेला। आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। करेला को बॉईल करके रख लिए हैं, आलू बॉईल करके छील के रख लिए हैं, लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, आम छील के उसको भी पीस लिए हैं मिक्सी में, नमक है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, तड़का के लिए प्याज काट के रख लिए हैं, आलू छील लिए हैं। अब हम करेले को क्या करेंगे, इस तरह से चीरा लगाएंगे, इस तरीके से, और इसका सारा बीज हम निकाल देते हैं। सारा बीज निकल गया। सब बीज निकाल लिए, इसमें डाल दिए हैं। आलू को भी हम मैश कर लेते हैं। आलू मिक्स हो गया है, करेला का जो बीज निकला वो भी इसी में मिक्स कर दिए हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं, इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम तेल डालते हैं थोड़ा सा। तेल गर्म हो गया, इसमें जीरा डाल देते हैं। प्याज डाल देते हैं इसमें। नमक डाल देते हैं तो प्याज गल जाएगा। प्याज फ्राई हो गया है, इसमें मसाला डाल देते हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसी से मसाला तैयार होता है। इसमें लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, मसाला थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। मसाला फ्राई हो रहा है, देखिए आधा मसाला फ्राई हो गया है। अब इसमें हम आम पीस के रखे हैं, उसको भी डाल देते हैं। आप लोग जितना खट्टा खाते हैं उतना मसाला आम इसमें डालिएगा मात्रा। इसमें ये जो आलू मैश के रखे हैं, करेला का बीज इसी में है, उसको भी डाल देते हैं।
मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसको 2-3 मिनट ठंडा होने देते हैं। तेल गरम होने दे दिए हैं, तब तक इधर तेल गरम होता है, इधर हम करेला में भर लेते हैं। इसमें हम मसाला डालेंगे, इसको हम इस तरह से दबा देंगे। करेला भरवा देखिए बनके तैयार हो गया है। अगर आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप भी अपने घर में बनाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और मैं फिर अगले व्यंजन के साथ मिलूंगी। थैंक्स।